नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अपनी स्किन को चेंज किया जा सकता है? किया जा सकता है, क्या लगता है? अरे किया जा सकता है, सिर्फ वही लोग अपनी स्किन को चेंज कर सकते हैं या कुछ भी चेंज कर सकते हैं जो ठान सकते हैं। तो जो आज के वीडियो में ठानने वाले हैं और वो अपनी स्किन चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर ही लेंगे और प्रोसेस शुरू हो जाएगा आज से। करना है, मैंने खुद की स्किन को चेंज किया, आपको पता है। कॉम्बिनेशन पर आई हूँ मैं ऑयली स्किन से, कैसे सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगी। मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा ऑयली थी, एकदम वो पापड़ निकलता है ना उसके ऊपर तेल चिपका होता है ना, वैसे वाली उतनी ज़्यादा ऑयली स्किन थी। बट मैं उससे कॉम्बिनेशन पर आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है वो बेस्ट होती है और मुझे सही लगता था। और मैं अब कॉम्बिनेशन स्किन में हूँ तो मुझे सीरियसली अपनी स्किन अच्छी लगती है। कैसे किया मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूंगी। सबसे पहली चीज़, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि आपको अपनी स्किन चेंज करनी है, क्या ये हो सकती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पहली वाली सीढ़ी पर आप ऑलरेडी खड़े हुए हैं। आस्क, आपने पूछना शुरू कर दिया है, क्या ये हो सकता है, इसीलिए तो यहाँ पर भी आए हैं, क्या ये हो सकता है, चलो देखते हैं। तो अब आपके पास जवाब है, हो सकता है, यानी कि जवाब है आपका बिलीव, हो सकता है। यही मैं कह रही हूँ ठानने के लिए, विश्वास करके ठान लो, हो सकता है। मैंने भी ऐसे ही ठाना था, हो सकता है ये जो पापड़ के ऊपर तेल लगा रहता है ना, इसे मुझे चेंज करना है, पता नहीं कैसे, देखते हैं। मैंने क्या किया अब मैं आपको बताती हूँ। एफर्मेशन रेडी किया मैंने अपने लिए, उसमें जो एक एफर्मेशन था जो मैंने कंटिन्यू बोला, जो मैं अब भी बोलती हूँ, वो था कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन हो रही है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन हो रही है। मैंने ऑयली स्किन कहीं लगाया ही नहीं, उसका जिक्र तक नहीं किया, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने ये बोलना शुरू किया मेरी स्किन कॉम्बिनेशन हो रही है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन हो रही है, क्योंकि पहले आपको ग्लो चाहिए, स्किन मतलब बहुत अच्छी चाहिए, ब्राइट चाहिए, इसके पहले आपको ये समझना होता है कि आपको बेसिकली कौन सी वाली स्किन चाहिए, किस टाइप की स्किन चाहिए। तो मुझे ऐसे लगा कॉम्बिनेशन चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए, तो मैंने ये रटना शुरू कर दिया कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन हो रही है। इवन जब मैं फेस वॉश करती थी, तब मैं फेस वॉश के साथ में भी जब पानी से अपना फेस धोने लगी तो मैं यही बोलती थी, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन हो रही है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन हो रही है। थैंक यू, अपने फेस वॉश को भी मैं ये बोलती थी। हिमालय का जो नीम फेस वॉश आता है ना, मैं वो यूज़ करती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछेंगे कौन सा वाला फेस वॉश, तो हिमालय का जो नीम हरे रंग का वो फेस वॉश आता है ना, वो तो मैं उसको उसको फेस वॉश को भी बोलती थी, थैंक यू थैंक यू, तुमने मेरी स्किन को कॉम्बिनेशन कर दिया, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन हो रही है। उस पानी को भी बोलती थी, आप समझ रहे हो किस लेवल पर जा करके मैं बोलती थी। जब भी मैं अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाती थी तब भी मैं अपने फेस को यही बोलती थी कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन हो रही है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन हो रही है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कौन सा मॉइस्चराइजर, मैं सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल लगाती हूँ, मेरा वो फेवरेट मॉइस्चराइजर है, तो वही लगाती हूँ, और वो भी मैं पतंजलि वाला मुझे अच्छा लगता है तो मैं वही लगाती हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरीके से वो भी लगाती थी, तो यही बोलती रहती थी। अब भी बोलती हूँ, जब भी मैं एलोवेरा जेल अपने फेस के ऊपर लगाती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ मेरी स्किन कॉम्बिनेशन हो रही है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन हो रही है। अब जब हो चुकी है मैं तब भी बोलती हूँ, सोचो इतनी आदत हो गई है मुझे, ठीक है। इसके बाद जब मैंने ना अपने अंदर धीरे धीरे चेंजेस देखे, और वो एकदम से तो नहीं हुआ था क्योंकि वो स्किन ही मेरी ऐसी ऑयली थी, अब वो कुछ महीनों के बाद में ना मुझे ऐसा ऐसा लगने लगा कि हाँ यार वो जो पापड़ के ऊपर तेल है वो थोड़ा कम हो रहा है, मतलब ऐसा होना शुरू हो गया, क्योंकि मुंबई में ह्यूमिडिटी पता है ना, तेल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आ जाता है। तो ऐसा हुआ, ठीक है, चेंज हुई धीरे धीरे, मुझे ऐसा एहसास होना शुरू हुआ कि ये चेंज हो रही है। अभी मैं पूरा डिटेल में अंदर आपको जाके बताने वाली हूँ कि ये माइंड के लेवल पर कैसे हुआ था काम। फिर उसके बाद में ना मैंने बोलना शुरू किया कि मेरी स्किन जो है ना स्पॉटलेस है, मतलब कोई दाग धब्बा नहीं है, ये दाग धब्बा शब्द नहीं लगाया मैंने, ये बोला स्पॉटलेस है, वाह, क्लीन है, क्लियर है, ब्यूटिफुल है, ब्राइट है, ग्लो करती है। तो वो कॉम्बिनेशन के साथ में ना मैंने इतने सारे एफर्मेशंस लगाने शुरू कर दिए। आप चाहें तो ये सारे के सारे एफर्मेशंस को आप लिख भी सकते हैं, शुरू में मैं लिखती थी, बट वो बोलते 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 ऐसा हो गया कि फेस भी धो रहे हैं, मॉइस्चराइजर भी लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आए जा रहा है और बोलते जा रही हूँ, तो ऐसा हो गया कि वो ज़ुबान पर ही चढ़ गया। तो इस तरीके से धीरे 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 ना वो चीज़ें ऐसे होने शुरू हो गई कि पिंपल्स का तो कोई अता पता ही था नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हो ऑयली मतलब किस किस तरीके के इश्यूज आते हैं ना स्किन के ऊपर, मैंने झेला है भाई। और उसके बाद में ना
जब मैंने अपनी स्किन के बारे में ये सब बोलना शुरू किया ना कि वो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल क्लियर है, वो ग्लो करती है, मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मैंने अपने स्किन के लिए अच्छे अच्छे ये वाले जो आपको बता रही हूँ ना, ये एफर्मेशंस मैंने यूज़ करने शुरू किए। और उसके बाद धीरे 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 जादू होने लगा, सीरियसली जादू होने लगा। मैंने जब भी अपने फेस को टच किया, कोई मेकअप प्रोडक्ट लगाया, कुछ भी लगाया, मतलब कुछ भी किया, तो मैंने अपनी स्किन के बारे में यही सब कुछ बोलना शुरू किया। अगर मेरे फेस के ऊपर कोई पिंपल आ भी गया, कोई दाग रह भी गया, तब भी मैं यही बोलती थी कि मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर है, मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपको भी अपनी स्किन चेंज करनी है तो ये सारी चीज़ें लगानी शुरू कर दो। पेशेंस रखना भाई, एकदम से ऐसे आज ही फेस वॉश धोए और आज ही अचानक से सारा पापड़ के ऊपर से तेल निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। समय लगेगा, कुछ महीनों का भी समय लग सकता है और भी उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरी तो काफ़ी लंबी जर्नी रही अपनी स्किन को चेंज करने की। तो इस तरीके से मैंने धीरे 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 आज ये है कि हाँ, मेरी स्किन है ना एकदम प्रॉपर प्रॉपर, एकदम वो कॉम्बिनेशन स्किन होती है ना वो हो गई है। पापड़ पे से तेल ऑलमोस्ट हट चुका है। अब सीजन जैसे जैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरी जो स्किन होती है वो चेंज होती है, वो तो सबकी होती है। सर्दियों में ड्राई हो जाती है, गर्मियों में थोड़ी सी हल्की सी ऑयली हो जाती है, क्योंकि ऑयली थी तो इसलिए थोड़ी हो सकता है कि नॉर्मल से ज़्यादा हल्की सी। बट यस, अभी कॉम्बिनेशन वाली कैटेगरी में मैं आ गई हूँ। करना है आपको भी चेंज, ठानना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने पहले पूछा जैसे कि आप अभी पूछ रहे हैं, उसके बाद मैंने ठाना यानी कि मैंने उसके ऊपर बिलीव किया, उसके बाद मैंने क्या किया लास्ट में, रिसीव रिसीव कर चुकी हूँ मैं। आज ये जो स्किन आप मेरी देखते हैं यहाँ पर, स्किन मैं रिसीव कर चुकी हूँ। करके देखो, ठान के देखो, विश्वास की ताकत। अब बताती हूँ कि ये दिमाग के लेवल पर कैसे होता है। आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग हो गई कि इसकी स्किन कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है। दिमाग की सेटिंग हो गई तो फिर वो ऑयली कैसे रहेगी? नहीं रहेगी। सारा कार्यक्रम ही दिमाग से होता है, उसके कार्यक्रम के चैनल को ही मैंने चेंज कर दिया, ले ऑयली से कॉम्बिनेशन पर घुमा दिया, और वो कॉम्बिनेशन उसने कर दिया क्योंकि मैंने एक्चुअली उसकी प्रोग्रामिंग कर दी। तो जब हम एफर्मेशंस देते हैं और प्रेजेंट में रह करके देते हैं तो बेसिकली हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। आप भी कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। इस दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। हमें बुद्धि मिली किस लिए है? इसीलिए तो मिली है कि हम इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। कर लो, जी लो अपनी जिंदगी, करो अपने अपने स्किन चेंज, बनाओ अपने आप को जितना हो सकता है खूबसूरत। जीने आए हैं हम, खुशी से खूबसूरती से जिएंगे, अधिकार है हमारा, और ये सबके लिए है, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, क्योंकि स्किन तो हम सबकी है ना। तो आप सब सब जितने भी लोग हैं और अपनी स्किन को चेंज करना चाहते हैं और कुछ नया अवतार चाहते हैं, कुछ समय का जरूर वेट कीजिएगा और इस बीच में बस जस्ट लगे रहिएगा। चीजें आती रहेंगी स्किन पे और जाती रहेंगी, लेकिन आपको यही करना है जो मैंने वीडियो में बताया है, उसके बाद में जादू शेयर करना अपना, कि जादू हो गया जी हमारे साथ में तो जैसे मेरे साथ हो गया। अपने अपना ख्याल रखिए, अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए, क्योंकि जब आप ढेर सारा प्यार करते हैं ना खुद से, प्यार अट्रैक्ट करते हैं आप। आई लव यू ऑल, बाय।